न्यू ब्लॉग एसएस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर ईवा को देख सकते हो आप, वाटर बॉटल लेके बोल रहे मम्मा मुझे यही वाली वाटर बॉटल लेके जानी, यही लेके जानी है, कोई दूसरी नहीं लेके जाओगे, अपनी वाली पुरानी वाली। इतना सारा पानी पी लोगे आप? मम्मी मुझे ना मेरा वो डस्ट बॉक्स भी बहुत टूट गया है और वाला भी बॉक्स टूट गया, तो फिर वो भी टूट गया मेरा वाटर बॉटल, तो मेरी वाटर बॉटल ली वाली नहीं, वो तो टूटी नहीं। सुबह सुबह ईवा देखो अपनी नई वाली वाटर बॉटल लेके बोल रही कि मम्मा मुझे यही लेके जाना है, यही लेके जाना है, तो ईवा को हम यही दे देंगे। और इस बॉटल का एक फायदा भी है फ्रेंड्स, ये बॉटल ना अंदर से फाइबर की है, सो एक चीज़ वन मतलब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पानी आप जैसे रखोगे, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी का टाइम हो गया है तो अभी मैं गर्म पानी नहीं भेजती हूँ, नॉर्मल पानी भेजती हूँ, तो वो नॉर्मल पानी नॉर्मल ही रहेगा, बच्चे खेले कूदे कुछ भी करे पानी गर्म नहीं होगा। फ्रेंड्स ईवा के लिए मैं नया लंच बॉक्स भी लेके आई हूँ एंड उसके लिए नया फ्रूट वाला जो लंच बॉक्स है वो भी लेके आई हूँ। सो ईवा बहुत ज़्यादा खुश है कि मम्मा मैं तो आज इस पे लेके जाऊँगी, और उससे भी ज़्यादा खुश इसलिए है कि बच्चों को ना अपने साथ के बच्चे जो होते हैं क्लासमेट्स उनको दिखाना होता है, देखो मैं ये नया लाया हूँ। हाँ आपका ही है, तो ईवा तो इस चीज़ में माहिर है भैया, घर से भी टॉयज मतलब छुपा के लेके जाती है मुझसे, जबकि लास्ट में बैग मैं चेक करती हूँ फिर भी ये बैग के अंदर डाल लेती है खिलौने टॉयज, और वापस जाके सबको दिखाते हो ना। इधर आओ बताओ तो फ्रेंच को खेती करते हुए चला के आप पाली है तो आप वही तो बोल रही कैसे पकलोगे आप। अच्छा 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 ये बताओ आज सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या किया आपने, क्या खाया जल्दी बताओ। हाँ तोता नहीं पिज्जा नहीं, अच्छा बताओ तू सही, मुझे बहुत पसंद है। पहले बताओ आपने क्या किया आज ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह, क्या खाया कल अभी भूल गए, अंडा नहीं खाया अभी मैंने अंडा खाया। तो फ्रेंड्स इसके लिए दलिया भी है बट ये अभी नहीं खाएगी क्योंकि ईवा ना सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा खाना नहीं खा पाती है, लेकिन एक अंडा खा लिया बहुत है, उससे थोड़ा एनर्जी तो रहेगी बॉडी में, वरना अभी तक तो बोल रही मम्मा मुझे नींद आ रही। तो क्या मन्नू का वेट कर रहे हैं कि मन्नू आए और ईवा को स्कूल छोड़ने हम जाए, तो मन्नू बोल रहे हैं मैं आ जाऊँगा 10-15 मिनट में, तब तक ईवा का चीला रेडी कर रही हूँ, साथ में उसके साथ आलू एंड ईवा के लिए देखती हूँ क्या फ्रूट रखूँ, इससे पूछती हूँ, सारे फ्रूट्स हैं अभी तो, एप्पल भी है, पराठा भी चिची ईवा जब ना स्कूल चले जाते तो घर एकदम से खाली खाली सा हो जाता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता, एंड मन्नू नहीं हो ईवा नहीं हो तो घर तो ऐसा लगता है बस, फिर मैं क्या करती हूँ डॉगियों के पीछे लगी रहती हूँ, उनको घुमाओ उनको खाना दो उनके साथ खेलो, एंड घर का तो काम ही इतना होता है कि बहुत ही कम टाइम मिलता है ये सब करने का भी। तो आज भी बहुत सारे कपड़े ऐसे जो अब मुझे धोने के लिए मतलब इकट्ठा हो गए, बस वाटर बॉटल को जो है ना वो छोड़ ही नहीं रही है, बोल रही है मम्मा मुझे यही लेके जाना है। तो कोई नहीं उसका मन रख लेते हैं, उसको यही दे देंगे और ठीक है खुश हैप्पी। तो चलो अंदर ईवा के लिए फ्रूट्स भी काटने हैं मुझे, तो फ्रूट्स काट लेती हूँ, देखती हूँ क्या ले जाने का मन है इसका। ईवा के लिए चीला बना रही हूँ लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड क्यों हो गया, तो उसको निकाल देते हैं और साथ में आलू। देखो फ्रेंड्स ईवा के लिए चीला बना दिया है, साथ में आलू जो ईवा के फेवरेट है, फ्रूट्स में लेट्स सी कि ईवा क्या लेके जाती है। देखो फ्रूट्स भी है, पपाया भी फ्रिज के अंदर है, वाटरमेलन भी है, लेट्स सी कि क्या लेके जाएगी। बॉक्स देखो फ्रेंड्स मैं ईवा के लिए न्यू लंच बॉक्स जो लेके आई हूँ ये है ईवा की पसंद से, ये मैं अपनी तरफ मतलब अपनी पसंद से लाई हूँ फ्रूट्स के लिए क्योंकि ये स्टील का है। और ये देखो हाँ खोल के देख लो, खोलो देखो मम्मा खोले के लाओ, मैम से खुलवाना आप स्कूल में ठीक है। ठीक फ्रेंड्स मन्नू बाहर आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि फटाफट से आओ, और पूरी रात वो आए नहीं थे तो अभी आ चुके हैं, तो अब मैं फटाफट से ईवा क्या फ्रूट रखूँ जल्दी बताओ, पपाया रखूँ क्या रखूँ, पपाया रखूँ पपाया रख दूँ
तो फ्रेंड्स इवू के लिए फटाफट से पपाया काट देती हूँ। अभी तो ठंडा है लेकिन मामा वाटरमेलन नहीं, वो थोड़ा लिक्विडी हो जाता है बेटा, गिर जाएगा उसका सारा पानी जो है ना निकलता है, उसमें मामा ने सॉल्ट डाला हुआ था ना। अभी जो है मैंने पपाया फ्रिज के अंदर से निकाला है, लेकिन जब तक ईवा स्कूल में खाएगी तो तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है स्टील के टिफिन में, और इसका ढक्कन एयर टाइट है, ये देखो। सो ये ईवा के आते ईवा खुश है। रुको 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 रुको, वेट करो, अभी नहीं दौड़ना, दौड़ना नहीं है ठीक है। आपने कुछ खाया अभी बताओ? अंडा खाया और दलिया नहीं खाया ना। मम्मी, अच्छा तो लंच में जो लेके जा रही हो वो तो खा के आओगी ना? हाँ। लंच में क्या ले आ रहे हो आप? मैं एक आलू का पराठा और... आलू का पराठा थोड़ी, चीला आलू की सब्जी। और फ्रूट्स में क्या ले जा रही है वो? चीला सब्जी और ना और ले जा रही पपाया। वेरी गुड, तो आपने सब खा के आगे से, आगे से, हाँ आगे से आपने सब खा के आना है। ओके ओके, देखो मन्नू अभी अभी आए हैं और रोड पे ही ईवा को हम लोग छोड़ के आ जाते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे घर पर ही। इसका थोड़ी था ना वो, इसका था वो, गाड़ी का था शायद। अभी नहीं घुमाए, मैंने नहा लिया है, नहाने के बाद मेरी पूजा भी हो गई है एंड यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो रहा है। आप देख सकते हो ब्राउन ब्रेड मन्नू और मैंने अपने लिए बना लिया है, ये देखो यहाँ पे सैंडविच बना लिए ब्राउन ब्रेड से एंड साथ ही बन गई है हमारी चाय। सो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट भी मेरा जो है वो बन चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड को मैंने अच्छे से सेक लिया है बटर में एंड सैंडविच बना लिया है, जो सुबह आलू बॉइल करे थे उनमें इसके अंदर आलू की फिलिंग डाल के सैंडविच भी बना लिया, आपको दिखाती हूँ ये देखो। सो चाय बन गई है, फटाफट से नाश्ता करते हैं मन्नू और मैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। जनता तो मैं देखना चाहती हूँ, तुम दिखते ही नहीं हो कहाँ गायब रहते हो। सो फ्रेंड्स मन्नू का मुंह देखो आप, बिल्कुल ड्यूटी से नींद पूरी नहीं हुई तो कैसे, बिल्कुल थक चुके हैं। हाथ से बहुत कम गिरता है भैया फोन है हा? आपके हाथ से बड़ा गिर गया, जेंट्स के हाथ से कम गिरता है फोन। मीशो से है ये, कहाँ से है दिखाना? मीशो से है, तो दो तीन पार्सल थे मेरे। दो तीन है? हाँ देख ले, हैं दिखाओ ऑर्डर, दिखाओ ऑर्डर, ऑर्डर दिखाओ ऑर्डर वाले उसमें। मीशो पे ना इतना अच्छा है, मतलब ऑफर चल रहा था तो मैंने ऑर्डर किया था ईवा के लिए और अपने लिए कुछ ड्रेसेस, तो ये देखो ऑर्डर हमारा आ गया है। लेट्स सी, चेक करेंगे बाद में, लेकिन पहले पैसे दे दूँ भैया को, पेमेंट दे देते हैं। फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो मेरे छोले हैं वो बॉयल हो गए, तो फटाफट से उनको बना देते हैं क्योंकि थोड़ी देर में ईवा को लाने का भी टाइम हो जाएगा, तो फटाफट से डिनर लंच की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपसे मिलूंगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने अभी पपाया काट लिया है, और आजकल के पपाया ना इतने ज़्यादा मीठे आ रहे हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी आ रहे हैं। और परसों भी हमें एक दादी जो हमें मिली थी 100 ईयर्स की, आपने ब्लॉग में देखा होगा, उनसे एक पपीता खरीदा था, इतना ज़्यादा टेस्टी पपीता था ना आंटी का, तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। एंड ये वाला तो मैंने मार्केट से लिया है, अब आई डोंट नो ये कैसा होगा, बट आजीवा भी अपने लंच में फ्रूट्स में पपाया ही लेके गई है, तो मैंने इसको पहले भी धो लिया था, एक बार फिर से धो लेती हूँ, जो इसमें चिकनाहट सी होती है ना वो निकल जाएगी सारी। और पपाया तो हेल्दी होता ही है, आप सबको पता ही है, और टेस्टी भी होता है, तो आप लोगों को भी सीजन के फ्रूट्स तो ज़रूर खाने चाहिए, अभी सीजन वाले फ्रूट्स हैं और मीठे भी हैं, तो आप लोगों को भी ज़रूर खाने चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी जिन जिनको पसंद है। बस मन्नू और मैंने अपने लिए भी पपाया काट लिया एक बॉल में, बस अब मन्नू उठेंगे तब तक मैं खाती हूँ, फिर ईवा को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाएगा, तो चलो हम इंजॉय करते हैं हमारा पपाया। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी लेके आ सकते हो, बहुत ही देखो देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है, सो खा के देखूँगी कि कैसा है। चाट मसाला भी मैं लेके आई थी, तो थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक भी डाल देते हैं पपीते में, जिससे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर जो इसका आता है ना चाट मसाला के बाद, वो अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों को कैसा लगता है पता नहीं, अच्छा लगता है तो कमेंट्स कर देना जी। देखो फ्रेंड्स कितना यम्मी लग रहा है ना, कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। एंड मन्नू को देखते हैं उठते हैं तो इनको भी देते हैं, सोए हुए हैं अभी। देखो हम निकल गए ईवा को स्कूल से लाने के लिए और मन्नू सो रहे थे, तो ये देखो
उठ चुके हैं ईवा को लाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज आप धूप देख सकते हो, मौसम कैसा हो रहा है अलग ही सा, और बहुत मतलब गर्मी तो प्रॉपर आ ही चुकी है। आप देखो हम लोगों ने भी कपड़े अब गर्मी हुआ हल्के हल्के ठंडी वाले पहने हैं, और सर्दी ने भी गर्मी, अब तो गर्मियों के सर्दियों के कपड़े देखते ही गर्मी होना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। और अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो पता नहीं मई जून में तो क्या ही हाल होना है। हम लोग तो घर पे ही रहते हैं लेकिन बच्चों के लिए बड़ा बुरा हाल हो जाता है फ्रेंड्स। बच्चे तो गर्मियों में बिल्कुल खाना वाना भी नहीं खाते और हालत बड़ी बुरी हो जाती है। ईवा का स्कूल और स्वाता गई है ईवा को लेने। ईवा आ गई है स्कूल से। ये आ गई ईवा स्कूल से अपने। ईवा एरोप्लेन से बाय बाय कर रही है। बचपन में हम भी इतने एक्साइटेड होते थे फ्रेंड्स जब एरोप्लेन को देखते थे, और आज ईवा भी देखो ईवा गया। चलो अभी चोट लग गई थी। ईवा आपने क्या देखा है? देखो ईवा आ चुकी है। ईवू ने आज क्या देखा? हेलीकॉप्टर। यहाँ से मुड़ जाएगी। बर्थडे आपका बर्थडे है? किसने बोला? सुरवीन ने। सुरवीन ने बोला? हाँ। ओ सुरवीन भी तो स्कूल गए आज। कौन से स्कूल में? उसका स्कूल का हुआ? उनका है विजन वैली। विजन वैली? Yes. उनका स्कूल इतना दूर है? Yes. मुझे भी देखना है, मुझे प्यू के घर जाना है मम्मा। ओके okay, अभी बाद में लेके जाएंगे हम आपको प्यू के घर, बहुत टाइम से हम गए भी नहीं ना। देखो हमारी आंटी आई है आपका रेडी होने के लिए। आंटी कैसा लगता है आपको मेरा मेकअप? बहुत बढ़िया है। सच्ची बात मेकअप तो अच्छा होता है, तो करने वाली भी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। हाय हाय, इतना सुकून। फ्रेंड्स ये देखो ईवा अपनी फ्रेंड को बुला के ले आई है सुभी को, और नीचे नहीं गिराना बस, ठीक है? चलो खेल लो। हाँ अभी ईवा बोल रहे मम्मा मुझे पढ़ाई करा दो। तो अभी ईवा देखो वॉवल्स लिख रही है, और ईवा को सारे वॉवल्स लर्न है अच्छे से। ये देखो इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, और अब एग्ज़ाम भी पास में है तो ईवा को अच्छी बात है कि लर्न है। अभी ईवा आपको सुना के भी बताएगी फ्रेंड्स पूरे वॉवल्स। ओके वो चलो सुनाओ। AEIOU। वेरी गुड। वॉवल्स होते हैं फ्रेंड्स। हो चुकी है शाम, और हस्बैंड जो है वो पहले ड्यूटी जा चुके थे, और यहाँ पे मेरा जो डिनर है वो भी लगभग तैयार ही है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो डॉगी है, जो मेरे पेट्स हैं जिनको आपने बहुत बार देखा होगा, उनको घुमा के लाती हूँ। उनका घूमने का टाइम हो गया।